everyone, and good morning once again. Good morning. Wow, very nice. Very good morning to all my dear students, my parents, my dear viewers, my audience. Once again, most welcome and warm welcome to our show. And we are here in J.N. Barua School. My dear friends, आज एक्चुअली हम क्या करने वाले हैं थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको शेयर कर लेता हूँ मैं. और माय डियर व्यूअर्स, आज कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो होने वाला है उसके बारे में ऑल माय ऑडियंस आई लेट यू नो. सी, एज वी नो, पढ़ाई क्यों होती है? लाइफ में कुछ बनने के लिए. एम आई राइट? एवरीवन एग्री? लाइफ में कुछ बनने के लिए पूरी 15 ईयर्स की पढ़ाई, उसके बाद में कोई अदर कोर्सेज, इसीलिए करते हैं ना हम. बट व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हम पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, है ना. ज़्यादातर टाइम हम क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर्स का लेक्चर देखते हैं और सुनते हैं. बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमें कोई चांस मिलता है कि हम खुद से कुछ क्रिएटिविटी करके दिखाएं. रिसेंटली मैंने पढ़ा कि मोस्ट ऑफ द जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनमें जो उनका ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं सेरेबेलम, वो बहुत डेवलप्ड होता है. जैसे हमने आइंस्टाइन के बारे में पढ़ा, तो आइंस्टाइन जो इतने फेमस साइंटिस्ट है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि उनके सेरेबेलम में कुछ ऐसी चीज़ें देखी गई थी जो काफ़ी डेवलप्ड था. नाउ व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न जो कुछ लोगों में इतना डेवलप हो जाता है किसी में नहीं होता? अगर हमें पता चल जाए कि इसे डेवलप कैसे किया जाता है, व्हाट इज़ द लाइक इंपॉर्टेंट की फैक्टर जिससे हम इसे डेवलप कर सकते हैं, तो सभी लोग कोशिश करेंगे उसे डेवलप करने की. यस और नो? सो वेरी फर्स्ट थिंग जो इसे डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ अ फोकस्ड अटेंशन. मीन्स हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ हमारे जो हमारा अटेंशन है उसे पूरी तरीके से एक ही जगह पे फोकस किया जाए. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिससे हम अपने सेरेबेलम को डेवलप कर सकते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें किसी चीज़ में डेवलपमेंट लाना है, किसी चीज़ को निखारना है, वहाँ पे अगर हमारे पास में उसे डेवलप करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारे ब्रेन में वो क्षमता होनी चाहिए. सबसे पहले वो ग्राफ यहाँ बनना चाहिए जिसके बाद हम उसे डेवलप कर सकते हैं, राइट है? सो आज हमने एक ऐसे प्रोग्राम को रखा है जहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे, वन बाय वन यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे. और ये वो बच्चे हैं जो काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से ही सेलेक्ट हुए हैं. या यहाँ पे आने के पहले उनका कॉम्पिटिशन रखा गया था, उनके टेस्ट हुए थे, उनके एग्ज़ाम्स हुए थे, उसके बाद ये बच्चे सेलेक्ट हुए हैं. और ये हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये बच्चे आपके सामने आएंगे. और हम इनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो नॉर्मली हम जब किसी इंटरव्यू में जाते थे वहाँ पे हमसे ये एप्टीट्यूड टेस्ट करके ये क्वेश्चंस पूछे जाते थे. हमारे स्कूल टाइम पे ऐसे क्वेश्चंस हमें कभी पता नहीं थे कि ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं. बट माय डियर फ्रेंड्स, वी आर हैविंग सम स्टूडेंट्स ओवर हियर जो क्वेश्चंस बहुत इजीली हमें सॉल्व करके दिखाएंगे. ओके, एंड मैम, हु इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट टू कम हियर? तन्मय. So we have Tanmay here, and let's hear a big round of applause for Tanmay. Very nice. Tanmay, how are you today? Fine. Very good. My dear viewers, my dear audience, मैं इनसे जो question पूछने जा रहा हूँ, मतलब ये competitive exams में पूछा जाता है. And which standard बेटा you are in? Sixth standard. Wow. Sixth standard का ये बच्चा, हम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन फेस करते हैं. एंड माय डियर व्यूअर्स, मैं आपसे भी बोलूँ, बता दूँ मैं कि ये जो क्वेश्चंस हैं जब आप इन्हें देखेंगे अपने स्क्रीन पे, आप इसे पहले रोक देना और आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना. आप देखिए कि इसे कितने मिनट्स लगते हैं आपको सॉल्व करने में. एंड आई एम श्योर ये बच्चा हमें एज क्विक एज पॉसिबल करके दिखाएगा, राइट? ठीक है, सो लेट्स आस्क हिम अ क्वेश्चन. सपोज वी हैव ए जेड जी टी एम एन, and there is a question mark and there is a YB, okay, and here are your options. Now within 15 seconds you have to tell us what should be the right answer over here. Okay, you can have a look on this question and these are the options, and your time starts now. What should be the right answer? SH. SH. Why? Explain करिए. The first letter move 6 step forward and second letter move 6 step backward. आपका कहना है, all my dear viewers, audience sitting here, इनका कहना है कि first letter move 6 step forward. Means A and G, जो first letters है उसमें 6 का gap है. Means B, C, D, E, F, G. 6 का gap is there? एंड जी एंड एम में देर इज सिक्स लेटर्स गैप. ओके, इट मीन्स जो एम के बाद जो सिक्स लेटर आएगा दैट इज एस, एन ओ पी क्यू आर एस.
सो योर फर्स्ट लेटर इज एस. अच्छा, और जो एच है आपका सेकेंड लेटर, वो कैसे आया आपने कहा? सिक्स स्टेप बैकवर्ड. ओके, मीन्स एन और टी में सिक्स का गैप इज देयर. मीन्स जेड एंड टी में देर इज सिक्स का गैप, एंड टी एंड एन में देर इज सिक्स का गैप. सो एन के बाद जो कुछ भी आएगा उसमें सिक्स का गैप होगा. मीन्स एन के बाद पीछे से अगर जो सिक्स लेटर, दैट इज एच. सो दैट्स वाई एस एच इज द राइट आंसर. या एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. लेट्स हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर तन्मय. क्या बात है बेटा, वाओ, दैट्स अमेजिंग. Keep it up, we are proud of you. Thank you so much for coming here. You can go back to your place. Wow, very good, very nice.